नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। आज का विषय बहुत ही अच्छा है और बहुत साधारण है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विषय ज्योतिष से शायद नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन आयुर्वेद से और आपकी सेहत से जरूर जुड़ा हुआ है। हम इस चैनल पर, मेरे चैनल पर हमेशा ज्योतिष की बात करते हैं, ग्रह अच्छे हैं कब हैं, बुरे कब हैं, उपाय क्या हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा फर्ज ये भी बनता है, मेरे चैनल का फर्ज ये भी बनता है कि मैं अपने सभी सब्सक्राइबर, सभी दर्शकों को स्वस्थ रखने के लिए भी कुछ ना कुछ टिप्स देता रहूँ। और आप लोग स्वस्थ रहेंगे तभी आप ग्रहों के अच्छे बुरे होने का लाभ उठा पाएंगे। एक स्वस्थ शरीर ही जीवन के सुखों का उपयोग कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे पास योग की और आयुर्वेद की जानकारी है, नेचुरोपैथी की जानकारी है, उसके आधार पर भी मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी टिप्स बीच बीच में देता रहूं, जो आपके जीवन में आपको अच्छा हेल्दी रखेंगी। तो इसी श्रृंखला की शुरुआत करते हुए आज एक छोटा सा विषय हमने उठाया है। हमारे देश में, विदेश में कैंसर जैसी बीमारी जो है अत्यधिक तेजी से बढ़ रही है। तो कैंसर जैसी बीमारी भारत में कम है, लेकिन विदेशों में और ज़्यादा है। लेकिन हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा हैं कि यह बीमारी बहुत लोगों को होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। अब कम लोगों को हो या ज़्यादा लोगों को हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये ना हो इससे फर्क पड़ता है कौन सी ऐसी सावधानी बरती जाए जिससे इस बीमारी से बचाव हो सके, और कौन सी ऐसी गलती है जो हर घर में अक्सर लोग करते हैं, उस गलती से बचा कैसे जाए। तो चलिए, एक छोटी सी गलती से हो सकता है कैंसर, ये आज का विषय है। एक कॉम्बिनेशन जो है, यानी दो चीजों का जो मेल है, वो कैंसर की स्थिति को पैदा करता है। कैंसर होने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण यह भी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। घर की रोटी का स्वाद हम सभी लेते हैं और हम हमेशा मानते हैं घर की रोटी में जो हमें पौष्टिक तत्व मिलते हैं, जो प्यार मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो मुलायम मुलायम रोटियां मिलती हैं खाने को, उसका आनंद बाहर पैसा देकर भी हमें प्राप्त नहीं होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम हमेशा सही कॉम्बिनेशन को जानते नहीं हैं और चली चलाई बातों को या स्वाद के लिए उस कॉम्बिनेशन को बिगाड़ देते हैं। अब शरीर को भी आप ऐसा ना समझें कि वो एक मशीन है जो 24 घंटे चलता जाएगा। जब यदि वो चल रहा है तो फिर जो वो रिएक्ट करता है तो बीमारियों के तौर पे आपको कोई ना कोई दिक्कत दे देता है, जब हमें परेशानी हो जाती है। तो अक्सर हम रोटी के साथ चावल और दाल खाते हैं। कुछ लोगों के अंदर आदत होती है कि दो रोटी खाई या चार रोटी खाई, थोड़े से चावल ले लिए और दाल ले ली। अब दाल चाहे कोई भी हो, किसी भी नाम की दाल हो, अरहर की दाल हो, मसूर की दाल हो, एक्स वाई जेड जो भी दालें होती हैं। तो रोटी, चावल और दाल, तीनों का कॉम्बिनेशन आपको कैंसर के रोग की दावत देता है। आपको पेट का कैंसर हो सकता है, पेट से संबंधित कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दाल, रोटी और चावल, तीनों का कॉम्बिनेशन अपने आप में गलत है, आपको नहीं खाना चाहिए। आप चावल और दाल खा सकते हैं, रोटी और दाल खा सकते हैं, लेकिन तीनों को एक साथ नहीं खा सकते हैं मिक्स करके। ऐसा करने से पेट का कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इन तीनों चीजों का जो सेवन है वह एक मध्यम या कहें एक मीठे जहर की तरीके से है, जो स्वाद के साथ आता है लेकिन शरीर में अनेक अवगुण पैदा करता है, जिसकी वजह से हमें कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है अपने जीवन में। और हम रोज खाते हैं, धीरे धीरे ये चीज बनती रहती है, और कोई भी बीमारी एकदम से पता नहीं चलती है, और कैंसर जैसी बीमारी तो तभी पता चलती है जब बहुत फैल चुकी होती है। तो इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है। तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कैलोरी, प्रोटीन या इन सब चीज़ों का जमा हो जाना भी कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बनता है। तो उसकी उचित मात्रा लेना ही आपके लिए अच्छा है। तो रोटी, चावल और दाल का कॉम्बिनेशन आपको नहीं लेना चाहिए। यदि आप ले रहे हैं तो अभी बंद कर दें। मैंने जैसे आपको बताया कि आप दाल और रोटी खा सकते हैं, चावल और दाल खा सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि नहीं, हमें तो खाना ही है, हमें तो स्वाद आता है, हम तो खाएंगे ही, देखा जाएगा जो कुछ होगा, ऐसा भी कुछ लोग
सोच सकते हैं, इतने सालों से तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। हमारे तो बड़े बुजुर्ग 100 साल की उम्र तक खाते थे, तो भाई वो लोग और भी चीजें खाते थे, वो लोग व्यायाम करते थे, वो लोग अपने शरीर का संतुलन बना के रखते थे। वो चीजें तो आपने नोट नहीं करी, लेकिन आपने कहा नहीं, हम तो मानते नहीं, सचिन जी जो बोल रहे हैं सब ऐसे ही हवा में बातें हो रही हैं। तो अगर आप खाना चाहते हैं तो उसका भी मैं एक समाधान आपको बता देता हूँ, आप खाइए, लेकिन उसके साथ कच्चे हरे वेजिटेबल खाइए, खूब सलाद खाइए। यदि खूब सारा सलाद खाएंगे तो आपको खतरा कम होगा, टलेगा नहीं, कम हो जाएगा, या बहुत कम हो जाएगा, या कह सकते हैं ना के बराबर होगा। ना खाएं, इससे बेहतर कुछ नहीं है। खाने की मजबूरी है, जीभ का स्वाद है जो नहीं छूट रहा है एकदम से, तो उसके साथ सलाद की मात्रा, कच्चे सलाद की मात्रा को आपको बढ़ाना होगा, तभी आप मुक्ति पा पाएंगे। अब हमारी थाली में दाल भी कटोरी भर के होती है, चावल भी बहुत सारे होते हैं, रोटियां भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन सलाद नहीं होता है। सलाद के नाम पे थोड़ा सा सलाद है, या एक प्याज ले लिया, या एक हरी मिर्च ले ली, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो जितनी बड़ी थाली है तो उसकी कम से कम आधी थाली बराबर कच्चा सलाद भी आपको खाने के साथ में चबा चबा कर खाना चाहिए, तभी आप कैंसर जैसी बीमारी से बच पाएंगे। पेट की कैंसर की जो चावल दाल और रोटी के कॉम्बिनेशन से होती है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी या बुरी लगने की बात नहीं है, ये आपकी सेहत से जुड़ी हुई है, तो आपको इसका पालन करना चाहिए। और जब भी आप चावल दाल और रोटी का कॉम्बिनेशन एक साथ खाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं भारीपन महसूस होता है। आप करके देखिएगा, एक दो बार ट्राई करके देखिएगा, आप खुद ही महसूस करेंगे, दो चार बार में आपको फर्क महसूस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारीपन होता है, अनिद्रा का शिकार होते हैं, रात में अच्छी नींद नहीं आती है। अब जिस व्यक्ति को रात्रि में अच्छी नींद ना आए, या उसको खट्टे डकार आए, पेट में भोजन हजम ना हो, इत्यादि इत्यादि, तो अच्छी नींद ना होने की वजह से और सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, अनिद्रा के शिकार हो जाएंगे, और यदि रात्रि में ठीक से सोएंगे नहीं तो सुबह काम कैसे करेंगे। तो इसलिए एक चीज से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो यदि आप इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो अच्छी मात्रा में कच्चा और हरा सलाद खाएं, सीजनल सब्जियां खाएं, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपके लाभ के लिए थी, तो आपको पसंद आई होगी। और लोगों तक पहुंचाना या ना पहुंचाना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको लगता है कि आपके किसी अपने को इसकी आवश्यकता है तो और लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा। आपको लगता है कि नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है, तो मत करिएगा। लेकिन इस जीवन में कर भला तो हो भला वाली पद्धति को अपनाएंगे तो सुखी रहेंगे। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप लोग खुश रहें, ग्रह सितारे भी आपके बेहतर रहें, और आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहे, आपका शरीर स्वस्थ बना रहे, इसके लिए भी मैं प्रयास करता रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। हरिओम, नमस्कार।